फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँ कि आप बच्चों की टोपी कैसे बनाएंगे। करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जरूर कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं एक पीस ऑफ क्लॉथ ली हूँ। मैं एक छोटा सा डेमो करके बता रही हूँ, आप अपने बच्चों के साइज का बनाइए। तो जैसे कि आप देखिए, मैंने इसे हाफ करके फोल्ड कर लिया है। अब उसे एक और हाफ करके मैं फोल्ड करूँगी। आप ये मेजरमेंट से भी मार्क कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली हाफ करके फोल्ड करके मार्क कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, पेंसिल से एक तरफ मार्क कर लिया एग्जैक्टली हाफ पे, और एक तरफ हाफ से भी ज़्यादा मैंने मार्क किया है। अब ये दो पॉइंट मैं जॉइन कर लूँगी पेंसिल से। अब मैं इसे कैंची की मदद से कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब मैं यहाँ नीडल थ्रेड से स्टिच करूँगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्टिच कर लिया। मैंने नॉट नहीं बांधा है, मैंने सिर्फ स्टिच करके छोड़ दिया है। और जो जहाँ से मैं स्टिच की हूँ वहाँ से मैं धागा खींचूँगी कुछ इस तरह, ताकि मेरी टोपी पे चुन आए। अच्छा देख ले कितना अच्छा चुन आ रहा है मेरी टोपी पे जैसे मैं खींच रही हूँ। तो कुछ इस तरह मैं धागा खींच लूँगी। और मैंने धागा खींच लिया है, और खींचने के बाद मैं नॉट बांधूंगी यहाँ पे। अब मैं एक और स्ट्रिप काटी हूँ उसी साइज का, और जैसे कि देख रहे हैं मैं ऐसे करके स्टिच कर ले रही हूँ। जहाँ मैंने चुन्नट लिया उसी पे मैं डायरेक्टली स्टिच करूँगी। यहाँ मैं नीडल थ्रेड से स्टिच करके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आप सिलाई मशीन यूज़ करिए, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अब स्ट्रिप को फोल्ड कर लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पूरा टोपी का ऊपर वाला शेप बन रहा है, कुछ इस तरह मैं फोल्ड करूँगी। देख रहे हैं मेरी टोपी की कितनी अच्छी फिनिशिंग हो रही है। पूरा इस तरह फोल्ड करके पूरा वो स्ट्रिप मैं सिल दूँगी। यहाँ मैं नीडल थ्रेड से सिल रही हूँ। आप सिलाई मशीन यूज़ करिए तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा अच्छा बेहतर ही फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मेरा टोपी करीबन रेडी हो चुका है, हाफ रेडी हो चुका है, ये ऊपर का हिस्सा रेडी हो चुका है। अब पीछे मैं एक स्ट्रिप लगाऊंगी, डोरी के साथ स्ट्रिप लगाऊंगी। देखो जैसे कि अब देख रहे हैं मैंने लगा चुकी हूँ, स्टिच कर चुकी हूँ हाफ, और आधे वे में डोरी है मेरी। ये देख रहे हैं मैंने एक लंबी स्ट्रिप काटा है और उसे स्टिच कर लिया है। हाफ इस तरफ से सेम साइज़ का निकाला, हाफ उस तरफ से सेम साइज़ का निकाला है, बीच में मैंने स्टिच कर लिया है। ये मेरा पीछे का पोर्शन है, यहीं से मेरी डोरी भी जाएगी। अब मैं इसे फोल्ड करके स्टिच करूंगी कुछ इस तरह। देख रहे हैं मैं इस कुछ इस तरह स्टिच कर लूंगी पूरा स्ट्रिप। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया। देख रहे हैं मेरी टोपी रेडी हो चुकी है। आप ऐसे भी वेयर कर सकते हैं या फिर नीचे थोड़ा टैसल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ टैसल लगाने के लिए एक स्क्वायर पीस ऑफ छोटा सा कपड़ा काटी हूँ, उसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब उसी पे रख के मैं फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरह। अब ये स्टिच कर लिया है मैंने नीडल थ्रेड से। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। तो
तो यहाँ मेरी टोपी रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।